हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड की। तो दोस्तों अर्जेंट में वीडियो बना रहा हूँ, एक लेटेस्ट अपडेट है, राइट। तो इनके एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू की खास बातें अभी अभी जो है लेटेस्ट में छपी हुई है, जस्ट हाफ एन आवर में ये पब्लिक हुई है, राइट। तो उस इंटरव्यू में क्या बोल रहा है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और कैसे आपका सारा डाउट जो है, बहुत लोग बोल रहे हैं 9 जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा, 12 बैंक बिक चुका है, बर्बाद हो चुका है, और सारा जो है इक्विटी खत्म हो चुका है, पैसा जीरो हो जाएगा। तो वो सब चीजें, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये इंटरव्यू अभी जस्ट पब्लिश हुआ है, राइट। तो देखिए, सीधा मैं इंटरव्यू पे चलता हूँ, राइट। सी, आपको दिख रहा होगा यस बैंक ग्रोज 1 मिनट, अब आपको साफ दिख रहा होगा, राइट। यस बैंक ग्रोथ डिपॉजिट्स लोन बुक ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। आपको लग रहा होगा पहले के इंटरव्यू देखिए, जून 3 कब होता है 2021, वो हमें लगता है आज ही है जून 3, 1:25, अभी दिन के बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, राइट। तो हाफ एन आवर, 1 घंटे पहले पब्लिश हुआ है, राइट। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनके एमडी और सीईओ ने साफ साफ बोला हुआ है कि यस बैंक ग्रोज डिपॉजिट्स लोन बुक ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। ऑप्टिमिस्टिक की मतलब क्या होता है? आशावादी, अगर हिंदी वाले लोग जानते होंगे तो उनका मतलब होता है आशावादी। आशावादी का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर इसका ब्राइट है, इसे बोलते हैं फ्यूचर ब्राइट है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। और अभी जो है शेयर इतने पे घूम रहा है, ये शेयर कहीं ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो हम सीधा समय ना बर्बाद करते हुए दोस्तों इंटरव्यू खास बातें पे चलते हैं। देखिए, द कोरोना वायरस हिट पेंडेमिक सी 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 व्हेन द फर्स्ट ग्लोबल लॉकडाउन अनाउंस सी सी, ये थोड़ा सा भूमिका बना रहे हैं, राइट। मेन मुद्दे पे हम आते हैं। सी, इन द फाइनेंशियल ईयर 2000 यस बैंक साय मार्क साइज ने डिपॉजिट्स, बोल रहे हैं कि 2021 में एक डिपॉजिट में बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, एज वेल एज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो ये जो है लॉस में क्यों पोस्ट किया? अरे बाबू, बैंक में क्या होता है कि जो पहले का लिगेसी एनपीए था उस पर प्रोविजन करना पड़ता है। प्रोविजन एक बार क्या है, आपको क्या है कि आपने जो है, आपके अंदर कोई बीमारी है, राइट। एक बार आप सर्जरी करके इलाज कर दिए, खत्म हो गया, दोबारा वो कभी नहीं आएगा, राइट। फिर वही चीज अगर छोटी मोटी टेबलेट देकर उसको दवा दर्द को खत्म करते तो आज नहीं तो कल आएगी। सेम चीज मैंने सर्जरी कर दी और सेम वो प्रोविजन करके लॉस में दिखा दिया एक बार, वन एंड ओनली। आगे फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो देखिए, रिस्पेक्टिवली ग्रो 55% या 42%, कौन कौन सा? डिपॉजिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डिपॉजिट बढ़ा है 55%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 42%, राइट। प्रशांत कुमार एमडी सीईओ बोल रहे हैं कि वी आर हैप्पी व्हाट वी हैव अचीव्ड, हम हैप्पी हैं व्हाट वी हैव अचीव्ड। ये आपको लग रहा है पुराना इंटरव्यू। दोस्तों आप ये देखिए, जून 3, 2021, आज की डेट और दोपहर के 1:30 बजे ये इंटरव्यू है छपा हुआ है, राइट। तो ये बोल रहे हैं वी आर हैप्पी व्हाट वी हैव अचीव्ड, साफ साफ लिख के बोल रहे हैं। पास टू रिकवरी, ये बोल रहे हैं कि कासा कासा जो है, हम काफी अच्छा परफॉर्म किए, हम जो है इंप्रूवमेंट लाए 31.8% 42,587 में, राइट। और पहले कितना था? 28,063। सीधा सीधा ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है 9% की कासा में। और भी चीजें देख लीजिए, रिकैपिटलाइजेशन ड्राइव जनरेटेड 15,000 करोड़, राइट। आपको मालूम होगा कि एफपीओ आया था इनका जुलाई में, राइट। एफपीओ में 15,000 करोड़ रुपए के पैसे जुटाए गए, जिससे इनका सीईटी रेशियो ऊपर हो गया और जो है बैंक में जो पैसे की दिक्कत थी वो पूरी तरह खत्म हो गई, राइट। लेंडर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस वेंट डाउन 14%, राइट। इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था वो 14% नीचे हो गया है। तो कितनी सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें इसमें हो रही है, आप देखिए। अलॉन्ग विद यस बैंक कंटिन्यू टू शार्पन फोकस ऑन डिजिटल पेमेंट्स। आपको मालूम होगा दोस्तों, डिजिटल पेमेंट में यस बैंक नंबर 1 पे बना हुआ है। मार्केट का जितना भी करोड़ का ट्रांसफर होता है उसमें 47% लगभग हाफ एंड यस बैंक के पेमेंट के गेटवे के थ्रू होता है, राइट। तो यस बैंक डिजिटल में नंबर 1 पे बना हुआ है। इसका जो बैंकिंग बिजनेस है वो इम्प्रूव कर रहा है और जितने भी पैरामीटर्स हैं सभी में इम्प्रूवमेंट आपको साफ साफ दिख रहा है, राइट। तो दोस्तों ये इंटरव्यू अभी का नहीं, ये देखिए जो लोग बोल रहे हैं पहले का इंटरव्यू साफ साफ दिख रहा है, ये जून 3, 2021, 1:25, यस बैंक ग्रोज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, साफ साफ इंटरव्यू छपा हुआ है। आप जो के मैं इसको आपको पब्लिश करके बता रहा हूँ। अब आगे देखिए, सीधा सीधा मीन है, डिस्पाइट द पेंडेमिक यस बैंक हैज सीन इंक्रीज इन रिटेल लोन्स। भाई, इनका रिटेल लोन आपको मालूम है कि 23% का रिटेल ग्रोथ हुआ है, राइट।
एंड मोर देन हाफ ऑफ द बैंक्स टोटल लोन बुक इज कंप्राइज ऑफ द रिटेल एसएमएसई। आपको मालूम होगा दोस्तों कि जितने भी कॉर्पोरेट लोन बुक, कॉर्पोरेट को लोन नहीं दिया जा रहा है, सीधा रिटेल और एमएसएमई को लोन दिया जा रहा है, राइट। जिससे कि इस तरह का भी जो है पैंडेमिक के सीजन में जो भी रिस्क वाला फीचर है वो सब चीजें खत्म हो जाए। द बैंक ऑल्सो डिस्प्लेड हायर एवर इनकम मंथ रिटेल क्वार्टर फोर 2021 साइट। तो बैंक ऑल्सो डिस्प्ले हाइस्ट एवर इनकम थ्रू रिटेल फी। रिटेल फी देखिए 421 करोड़ का जो है इनको Q4 में आपको 421 करोड़, जो लोग बोल रहे हैं कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, तो ये 421 करोड़ का रिटेल फी में इनकम जो है क्यों आया हुआ है? तो इसे प्रॉफिट हुआ है, कहीं ना कहीं बैंक अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं तभी तो आया है ना। द रोड टू द फ्यूचर, आगे देखिए सब देख रहे हैं, बैंक का सीटी स्टैंडिंग 11% के अराउंड है, बी मोर देन रिक्वायर्ड बाई रेगुलेटर, विच गिव्स द बैंक इनफ कैपिटल कॉशन टू बैक इट्स ग्रोथ टारगेट बाई FY22, राइट। कुमार आल्सो सेड लेंडर्स CRR स्टैंड 17.5 लिविंग थ्रू लीगल इन केस देयर आर एनी फर्दर चैलेंजेस पोस्ट टू ऑनगोइंग सेकंड वेव ऑफ COVID-19, राइट। तो साफ साफ बोला जा रहा है दोस्तों कि सीटी रेशियो 11% है, सीधा सीधा इनका जो है काफी जो रेगुलेटरी नाम से जितना RBI का एक टारगेट है उससे काफी ऊपर है सीटी रेशियो, और ये CRR जो है 17.5% है। सीधा बोल रहे हैं कि सीधा सीधा जो है COVID-19 का सेकेंड वेव में कोई दिक्कत आए तो उसको भी चैलेंज करने के लिए एक्सेप्टेड है। द बैंक इज ऑल्सो इंक्लाइन टू इश्यू 20% ग्रोथ टू द लेंडर, राइट। अब यहाँ पे देखिए 20% का ग्रोथ के लिए बैंक जो है एक कमिटेड है, इंक्लाइंड है, और वो ग्रोथ जो FY22 में बोला है MD ने वो हो के रहेगा। MD CEO फिर से बोल रहे हैं कि ये 20% का लोन ग्रोथ। तो दोस्तों अगर 20% का ग्रोथ होगा, जैसे MD बार बार बोले, पहले ही बोले, अभी फिर उसको दोहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे की डेट में रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि वो इन लोन जो जाएगा वो इंटरेस्ट आएगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस क्या यहीं पे 13-14 ही घूमता रहेगा क्या? शेयर प्राइस भी कहीं ना कहीं ये जो है शेयर आपकी डेट में 13.50 पे चल रहा है, कहीं कहीं ये शेयर भी आपको 30, 31, 32, 34, 35, 40 पे भी जाता दिखेगा ना। सेम चीज है ये बोल रहे हैं कि आपको देखिए बी कमिटेड 20% की लोन ग्रोथ के लिए कि हम कमिटेड हैं विथ गुड एसेट क्वालिटी, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि अंगार भंगार किसी को भी दे दे, बुरा मत मानिएगा, मीन्स एक क्वालिटी कस्टमर जो होते हैं उनको जो है दिया जाना चाहिए, जिनके पास पेइंग कैपेबिलिटी हो, राइट, जिनके पास उस तरह का एक पेइंग कैपेबिलिटी हो, नहीं तो लोन दे के फायदा क्या जो लोन आए ही ना। राणा कपूर ने देखिए कितना 50,000 करोड़ रुपए लोन दे दिया, सब लेके बैठ गए, कोई लोन दे नहीं पाया, सब NPA हो गया। तो लोन 20% जो लोन ग्रोथ लेके चल रहे हैं, गुड एसेट क्वालिटी अच्छा सा ये लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द कुमार ही आल्सो स्टेट्स दैट द बैंक कॉर्पोरेट बुक हैव बीन डी-रिस्क, राइट। तो कॉर्पोरेट का इनका जो लोन बुक था ऑलरेडी, जो पुराना सेगमेंट था राणा कपूर के टाइम पे, वो इतना सब कुछ खोद खोद के निकाल चुके हैं, इतना क्लीन मार चुके हैं कि अब उसमें डी रिस्क रिस्क का एक जो पॉसिबिलिटी लिमिटेड है, अब उसमें बहुत ही कम चांसेस है कि उसमें भी कोई स्लिप करे, बात समझ रहे हैं। तो पुराना जो जख्म था उसमें सर्जरी हो चुकी है कि अब उसमें कुछ बचा नहीं है, अब फ्रेश आगे की तरफ बढ़ना, यही चीज ये बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा ये इंटरव्यू में छपा हुआ है, आप साफ साफ देख लीजिए, और ये आज का इंटरव्यू है। तो ये जो है पूरे की पूरी चीजें क्लियर कर दी MD CEO, बार बार बोल रहे हैं, पहले 6 मार्च को बोले तभी फिर बोल रहे हैं। तो कोई भी MD CEO जब बार बार जो है अलग अलग एक ही चीज बोल रहा है, अच्छी चीजें बोल रहा है जो इसमें लिखा हुआ है, तो इतना थोड़ी है कि बार बार झूठ बोलेगा। ठीक है रवनीत गिल ने झूठ बोला कोई बात नहीं, लेकिन एक आदमी गंदा है जिसका मतलब ये नहीं होता कि सभी लोग गंदे हैं। तो इन MD CEO की बातों पे विश्वास किया जा सकता है, मान के चलिएगा, आने वाले दिनों में ये सब चीजें जो कहानी लिखी हुई है जो मैंने बताया ये चरितार्थ होते दिखेगी। और प्राइस प्राइस दोस्तों सीधा साफ साफ बात है, 13 रुपए 50 पैसे का प्राइस हिस्ट्री होने वाली है। हिस्ट्री का मतलब इतिहास, भूगोल, जैसे हम लोग पढ़ते नहीं है कि 14वीं शताब्दी में ये हुआ था, 15वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था, तो हम लोग आगे 6 महीने 1 साल बाद पढ़ेंगे, अरे भाई जून 2021 में 13 रुपए भी प्राइस था, आज के डेट में प्राइस 40 रुपए, 35 रुपए, 45 रुपए है। तो ये भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा, हम लोग सुनेंगे कि 13 रुपए भी एक टाइम पे एस बैंक का शेयर आया था। तो दोस्तों ये था पूरा इंटरव्यू का सार, ये बताना पूरा अपडेट करना बहुत जरूरी था, जो लोग ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि क्या होगा क्या नहीं, उनके लिए ये चीज इंटरव्यू एक आंख खोलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज जो है आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम है तो, और अगर वीडियो में आप अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।